कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो बिल्कुल मस्त होंगे, ठीक है, अच्छे से आपकी जिंदगी जो वो चल रही होगी और एग्जाम की तैयारी भी जो आपकी अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो रिवीजन सीरीज हमने शुरू की है उसका जो आज तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिस लेक्चर में हम जो वो बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो है वो परसेंटेज ऑफ आइनी कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड में जो वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो आज हम जो वो बात करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है मेनली दो इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के केसेस में और जो डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, इसमें जो हम एक इक्वेशन को जो वो स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि परसेंटेज आइनी कैरेक्टर ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो वो क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो वो परसेंटेज आइनी कैरेक्टर जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए जो हमारे पास ओनली टू वेज है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम, यानी कि जो दो बॉन्डेड एटम है हमारे पास उनके बीच में जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है उसके बेसिस के ऊपर हम जो वो क्या करेंगे आइनी कैरेक्टर जो है परसेंटेज आइनी कैरेक्टर को जो है वो फाइंड करेंगे। पहला भी हो गया। दूसरा है हमारे पास कि डाइपोल मोमेंट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ है यानी कि जिस भी कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है, उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है उसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो है वो परसेंटेज आइनी कैरेक्टर जो है वो आता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया कि डाइपोल मोमेंट को हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमारे पास जो वो क्या आएगा परसेंटेज आइनी कैरेक्टर आएगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस यानी कि जो पहला केस है इसमें हम जो वो दो इक्वेशन जो वो मेनली डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो जब दो हमारे पास डिससिमिलर एटम यानी कि एक एटम हो गया हमारे पास ए और एक एटम हो गया हमारे पास बी, जब इन दोनों के बीच में जो है वो क्या होता है पोलैरिटी डिफरेंस होता है, क्या होता है पोलैरिटी का डिफरेंस होता है, ठीक है, पोलैरिटी का क्या होता है डिफरेंस होता है। तो उस टाइम हमारे पास जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि पोलर वर्ड का मतलब ही पता लग रहा है कि हमारे पास जो वो इस बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, यानी कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ए जो वो क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, और बी के ऊपर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्यों, बिकॉज हमारे पास बी जो है वो क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है हमारे पास ए, ये है हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो ये है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हमारे पास क्या होगा पोलैरिटी का क्या होगा डिफरेंस होगा, उसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस बॉन्ड में हमने क्या करना है परसेंटेज ऑफ आइनी कैरेक्टर को जो क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो दो मेथड है हमारे पास जो मैंने आपको बता दिए। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम है हमारे पास दो इक्वेशन जो वो दो साइंटिस्टों द्वारा जो वो दी गई थी, तो सबसे पहले थी पॉलिंग, ठीक है, पॉलिंग इक्वेशन दी गई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हम जो है वो परसेंटेज आइनी कैरेक्टर को जो वो किस तरह से कैलकुलेट जो वो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार वो इक्वेशन जो है वो क्या थी और उसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो वो इक्वेशन को नोट कीजिए जो पॉलिंग की इक्वेशन थी आखिरकार वो क्या थी, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ आइनी कैरेक्टर, आइनी कैरेक्टर को हम जो वो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले फॉर्मूला दिया था हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड जाई ए माइनस जाई बी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था जो भी हमारे पास बॉन्डेड एटम होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है डिफरेंस है, ठीक है। ये जैसे कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो गया तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां पर है यानी कि 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 4 जाई ए माइनस जाई बी, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और जो जाई बी है हमारे पास वो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहां पर लिख देता हूं वेयर जाई ए एंड जाई बी, ठीक है, इसको लिखते हैं जाई ए एंड जाई बी
is the electronegativity of atom. Electronegativity, ठीक है, of atoms. तो means क्या है हमारे पास, ये जो जाइ ए एंड जाइ बी है, ये इन दोनों एटम की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जनरल है ये, ठीक है, जनरल बता रहा हूं मैं, ए और बी को कंसीडर किया है. जैसे कि यहां पर हमारे पास हो सकता है KCl, हो सकता है HCl, हो सकता है, ठीक है, या HF हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मॉलिक्यूल जो हो सकता है जिसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड की क्या हो रही हो, फॉर्मेशन हो रही हो, और हम उसमें जो परसेंटेज आईडी कैरेक्टर जो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है. तो ये है सबसे पहली इक्वेशन जो कि पॉलिंग ने दी थी. पॉलिंग इक्वेशन क्या है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 4 जाई ए माइनस जाई बी. अगर आपके पास इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो आप जो उस मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. तो पहली इक्वेशन ये आ गई हमारे पास जो कि पॉलिंग ने दी थी, ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, पॉलिंग ने. अब दूसरी बात करते हैं, जो दूसरी इक्वेशन दी थी वो है हेनी स्मिथ. दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक का नाम था हेने एंड दूसरे का नाम था स्मिथ, जिन्होंने जो वो दूसरी इक्वेशन दी थी जिसमें जो है वो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को हम जो वो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं. चलिए इस इक्वेशन को जो हम देखते हैं वो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर. तो वो क्वेश्चन है हमारे पास 16 जाई ए माइनस जाई बी प्लस 3.5 जाई ए माइनस जाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है. तो सिंपली क्या है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो कि हेने एंड स्मिथ ने दी थी. किसने दी थी, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, ठीक है, हेने एंड स्मिथ, जिसको हम हेने स्मिथ इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है. किसको फाइंड करने के लिए, ये भी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए. तो सिंपली यहां पर भी आपको वही है कि जाई और जाई बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता है, तो आप जो वो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को जो वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. क्या है, सिर्फ आपको जाई ए या जाई बी, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए, उन दोनों को आपने सब्सट्रैक्ट करना है और सिंपली इस फॉर्मूले में क्या करना है, जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देना है, तो आपके पास जो वो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो है वो आ जाएगा, ठीक है. तो ये है सेकंड इक्वेशन जो कि हेने एंड स्मिथ ने प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है. सबसे पहली इक्वेशन जी पॉलिंग इक्वेशन, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, वैसे लास्ट में समरी बताऊंगा आपको कि फॉर्मूले क्या क्या थे, क्या क्या इक्वेशन आपको लिखवाई थी. तो ये थी दूसरी इक्वेशन, ठीक है, हेने एंड स्मिथ. और सिंपली फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बताऊंगा आपको, तो 16 जाई ए माइनस जाई बी, सिंपली यही, और इसी का यहां पर क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना, और यहां पर 3.5, ठीक है. तो ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन, नोट कर लो इसको भी. अब बात करेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, यानी कि तीसरी इक्वेशन के बारे में जो वो बात करने वाले हैं कि हम डाइपोल के थ्रू जो है वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को जो वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. आई थिंक आप सभी ने नोट कर ली होगी, मैं अब रब करने जा रहा हूं इसको. अगर आपको इस चीज के नोट्स चाहिए तो वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप जो वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. जो हैंडराइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो वहां से आप जो वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली मेरा पर्पस क्या रहता है, मैं आपको जो वो बिल्कुल कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है, कंसेप्ट बताऊंगा, बाकी एग्जाम में थ्योरी आप खुद भी करके आ सकते हो. तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, इसको जो है परसेंटेज कैरेक्टर, इसके थ्रू हम जो किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है. तो डाइपोल मोमेंट आप सभी को पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय डी, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है. तो तीसरी क्वेश्चन जो डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्या है, बेस है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. ये जो है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है कि हम डाइपोल मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. इक्वेशन आप बता रहा हूं मैं आपको, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, जिसको जो हम निकाल सकते हैं किसके थ्रू, डाइपोल मोमेंट के थ्रू. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट, जो मॉलिक्यूल हमारे पास गिवन है उसका हमें एक्चुअल डाइपोल मोमेंट जो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है.
और उसके बाद क्या होना चाहिए, जो आयनिक कंपाउंड हमारे पास उसका भी हमें क्या पता होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये दो चीजें हमें जो वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट जो है वो मॉलिक्यूल का वो पता होना चाहिए, दूसरा डाइपोल मोमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड यानी कि हमारे पास जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में, तो यहां पर जो वो हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जो वो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके थ्रू हम जो वो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से, अगर हमें क्या पता हो म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय डी, इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें क्या हो पता हो, चार्ज हमें क्या हो पता हो, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस तरह से हम जब वो डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट के थ्रू जो वो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर जो वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में यहां से इजीली एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल जरूर आएगा और आप उसको जो वो इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल मतलब इजीली जो उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको बेसिकली चाहिए कि यहां पर ये चीज चाहिए, ठीक है, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट आपको वहां पर गिवन होगा, आपको जो डाइपोल मोमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड यानी कि जैसे ये एग्जांपल दिया, यहां पर आपको जो डाइपोल मोमेंट निकालना होगा, कैसे, आपको चार्ज दिया होगा, डाइपोल मोमेंट कैसे करेंगे कैलकुलेट, चार्ज दिया होगा और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो आपको दिया होगा, ठीक है, जिसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल डी लिख देता हूं, ऐसे कंफ्यूजन होगी, ये हमारे पास, ठीक है, जिसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, तो आपको चार्ज भी दिया होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी दिया होगा, उसके थ्रू आप जो वो डाइपोल मोमेंट को जो वो क्या कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज भी है, ठीक है, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट, और ये हमारे पास नीचे वाले, ठीक है, जो आयनिक का मैंने आपको बताया कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये वाला भी है, तो हम जो भी इजिली परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी तीन इक्वेशन, सबसे पहली इक्वेशन कौन सी थी, पॉलिंग इक्वेशन, ठीक है, दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, हेने एंड स्मिथ इक्वेशन, जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस क्वेश्चन को जो वो दिया था, जिसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को जो वो डिफाइन करते हैं, ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास किसमें होगी, HX वाले कंपाउंड में, ठीक है, यहां पर X क्या रहेगा, हेलोजन, जो X है हमारे पास वो क्या रहेगा, हेलोजन, जो भी हेलोजन होंगे हमारे पास, ठीक है, जो भी हेलोजन होंगे, तो X क्या है हमारे पास यहां पर, हेलोजन, ठीक है, X क्या है, हेलोजन, तो इन वाले कंपाउंड में जो है ये परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो डाइपोल मोमेंट के थ्रू हम निकालेंगे उसमें जो ये क्या रहेगी, वैलेंट रहेगी, ठीक है। अब बात करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल लाया था मैं छोटा सा, जिससे आपको जो दिखा सकूं कि कितना इजी न्यूमेरिकल आपको सेमेस्टर एग्जाम में आएगा, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि सेमेस्टर एग्जाम में हम जब बेसिकली न्यूमेरिकल को देख के डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि कोई ना कोई एक थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो इजिली से हमें फंस जाए और हम जो वो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, सारी इक्वेशन आपको लर्न होगी, तो आप इजिली जो वो न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकेंगे, इससे आपको जो वो ज्यादा जो थ्योरी है वो भी नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर, जो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, अगर नोट नहीं किया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई थिंक कर लिया होगा नोट, ठीक है, रब कर रहा हूं इसको, ऊपर वाले पार्ट को तब तक रब कर देता हूं, फिर हम जो है न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। बना रहे हो नोट्स वगैरह का, तो नोट्स वगैरह जो है साथ में बनाते रहना है, ठीक है, जैसे कि पहले भी बताया था। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर अभी तक आपने जो वो रिवीजन सेशन नहीं देखा है, यानी कि जो प्रीवियस वीडियो रिवीजन सीरीज की डाली थी, तो उनका लिंक भी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप जो वो उन्हें विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इन HF मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो मॉलिक्यूल है
उसमें क्या है NHF मॉलिक्यूल, ठीक है। NHF मॉलिक्यूल द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें दिया हुआ है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.92 आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ये दिया है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिया है। एंड द डाइपोल मोमेंट फॉर द आयनिक स्ट्रक्चर, एंड द डाइपोल मोमेंट, मोमेंट फॉर द आयनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर द आयनिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ठीक है, कितना दिया है वो आयनिक स्ट्रक्चर के लिए, आयनिक स्ट्रक्चर किसका आयनिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन जो है वो क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका आयनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है HF का। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन से फ्लोरिन की तरफ, ठीक है, गंदा लिख रहा हूं, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से लिखना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से कहां तक, हाइड्रोजन टू फ्लोरीन, ठीक है, जब हमारे पास हाइड्रोजन से फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उस केस में हमारे पास क्या है चार्ज हमें दिया हुआ है, ठीक है, is given by कितना है 4.8 multiplied by 10^-10 electrostatic unit, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड एक्चुअल डाइपोल मोमेंट, ये मैंने आपको बताया था कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, ठीक है, जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है वो आपको न्यूमेरिकल में क्या होगा गिवन होगा, तो इसका भी एक्चुअल डाइपोल मोमेंट हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है, एंड एक्चुअल डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय ठीक है, कितना दिया हुआ है इसको चेक करते हैं, ये है हमारे पास एक्चुअल डाइपोल मोमेंट 1.98, ठीक है, यानी कि 1.98 डीवी, डी का मतलब क्या है डीवे, ये क्या होती है यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्या होती है यूनिट डाइपोल मोमेंट की डीवे, ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है 1.98, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1.98 और साथ में दिया हुआ है कि 1 डीवे, जो हमारे पास 1 डीवे ये किसके इक्वल होता है 1 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, जो 1 डीवे होता है हमारे पास वो इसके इक्वल होता है, ठीक है, किसके 1 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है, इसके इक्वल होता है हमारे पास 1 डीवे। तो अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या गिवन है, तो एक बार फिर से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, करना क्या है हमें, इन HF मॉलिक्यूल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना है 0.92 आर्मस्ट्रांग, ठीक है, एंड द डाइपोल मोमेंट फॉर द आयनिक स्ट्रक्चर, इसके लिए हमने क्या करना है डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, किसके लिए, जो आयनिक स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है डाइपोल मोमेंट जो है कैलकुलेट करना है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जो है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, कहां से हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उस टाइम पे चार्ज कितना है वो हमें गिवन है, वो है 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10^-10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो सिंपली हमें फॉर्मूला पता है क्या है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो पीछे भी बताया था म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय डी यानी कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है यहां पर लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस हमारे पास 0.92 आर्मस्ट्रांग, ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग को हम क्या करेंगे सिंपली सेंटीमीटर में जो वो कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 10^-10
सेंटीमीटर, ठीक है। आर्मस्ट्रांग को हमने क्या किया, सेंटीमीटर में जो वो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, और चार्ज सिंपली हमें क्या है गिवन है, वो क्या है चार्ज हमारे पास, क्यू क्या है हमारे पास 4.8 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यूब, ठीक है। तो चार्ज हमें मिल गया, डिस्टेंस हमने वो निकाल लिया, तो सिंपली हम क्या करेंगे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वो क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा आयनिक कंपाउंड का, ठीक है, जो नीचे था एक्चुअल तो हमें दिया हुआ है वो है 1.98 डी, यानी कि 1.98 डी जो है वो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट गिवन है। तो म्यू कैसे निकालेंगे हम, म्यू आएगा हमारे पास 4.8 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना इंटर मिल गया 0.92 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आपको जो वो यूनिट कन्वर्जन मेन जो आपको आना चाहिए, अगर आप नेट एग्जाम दोगे, गेट का एग्जाम दोगे, तो वहां पर जो आपको मेनली यूनिट कन्वर्जन ही पूछा जाता है, ठीक है। जो फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप स्टडी करते हो तो वहां पर आपको यूनिट कन्वर्जन जो वो भर भर के पूछा जाएगा, यूनिट कन्वर्जन ही आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल तो इजी होगा, लेकिन आपको यूनिट कन्वर्जन जो है वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अगर आपका वो वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है देन वेल एंड गुड, तब आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, डाइपोल मूवमेंट को जो है वो यहाँ से निकाल लिया, ये आ जाएगा हमारे पास डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, हमारे पास 10⁻¹⁸, सॉरी यहाँ से थोड़ी गलती होगी। तो ये हमें पता लग गया, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और इसकी यूनिट भी क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। तो ये वाली चीज जो है 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ये जो हमारे पास 1 dB इक्वल होता है, ठीक है, 1 dB के जो ये चीज जो वो इक्वल होती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा म्यू इक्वल टू 4.8 × 0.92, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना तो 4 point something आएगा, ठीक है, ये जो है 4 point something आएगा, मींस हमारे पास जो वो आयनिक कंपाउंड का जो है वो डाइपोल मोमेंट आ चुका है 4 point something। अब फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, तो वो होता है हमारे पास एक्चुअल डाइपोल मोमेंट जो कि गिवन है, ठीक है, ये चीज जो है वो गिवन है, और ये क्या हमारे पास जो हमने अभी निकाला जो कि 4 point something है, ठीक है, दोनों की यूनिट किसमें होगी dB में होगी। तो एक्चुअली यहाँ से कर लेना और ये 4 point something आएगा, dB से dB कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जो वो कैलकुलेशन कर सकते हो, मेनली जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो आपने क्या करना है इस चीज में जो वो ढूंढना है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है, मतलब कितना दिया हुआ है और चार्ज जो है वो कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर हो रहा था हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, ठीक है। तो इस केस में चार्ज हमें गिवन था, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी गिवन था, और हमने जो वो क्या किया परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आई होप नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो ध्यान से नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको जो रब करने वाला चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, समराइज करवा देता हूं कि वो तीन इक्वेशन जो है वो कौन कौन सी थी लास्ट में, ठीक है। तो तीन इक्वेशन हमने जो है लिखी थी आखिरकार वो तीन इक्वेशन जो है वो कौन कौन सी थी उसके बारे में लोग बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल जो वो अच्छे से आपने क्या करने हैं तैयार करने हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ज्यादा थ्योरी जो है वो नहीं लिखनी पड़े और इजीली आपका जो एक पेज में न्यूमेरिकल खत्म हो जाए और आपके जो वो अच्छे मार्क्स आ सके, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो न्यूमेरिकल मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो थ्योरी ही देखते हैं कि अगर थ्योरी आ गई तो बस हो गया फिर काम, पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे तो आपका जो वो पेपर भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और टाइम भी आपके पास जो वो बच जाएगा, जो कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जो है वो बड़ी ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने की, वो थी पॉलिंग इक्वेशन, ठीक है, और वो क्या थी 1 − E 1 / 4 ζA
माइनस जाई बी, ठीक है, यानी पहली इक्वेशन। अगर परसेंटेज चाहिए तो सिंपली 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। सेकेंडली हैने एंड स्मिथ इक्वेशन, ये एक ही चीज है, ठीक है, तो 16 जाई ए माइनस जाई बी, ठीक है, ये आ गया 3.5 जाई ए माइनस जाई, इसका क्या था, होल स्क्वायर था, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो कि हैने एंड स्मिथ इक्वेशन है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास पहली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है, और ये है पॉलिंग इक्वेशन। बिल्कुल ध्यान से इनको नोट कर लेना लास्ट पे, और स्टार भी लगा लेना, ठीक है, अच्छे से। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, नोट्स सही होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से इसके नोट्स जो डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जो कि जो भी रिविजन सीरीज करवाऊंगा। ये हमारे पास और तीसरा लास्ट फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज आई एन कैरेक्टर का, जो कि डाइपोल मोमेंट से था, ठीक है, उसका फॉर्मूला था हमारे पास, हमें क्या पता होना चाहिए, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट जो कि गिवन होगा, ठीक है, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, बस ये हमारे पास जो मेन तीन फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। सबसे पहला कौन सा है, फिर से एक बार बोलो कौन सा है, पॉलिंग, ठीक है, दूसरा है हैने एंड स्मिथ, भूल मत जाना इनको, याद रख लेना, ठीक है, इधर लिख देता हूं, ये पॉलिंग और ये क्या है, हैने एंड स्मिथ, ठीक है, और तीसरा फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ये हमारे पास मेनली तीन इक्वेशन, ठीक है, जो तीन इक्वेशन है जिसके थ्रू हम जो वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो वो निकाल सकते हैं। और इसकी एक बात ध्यान रखना, ये जो वो एच एक्स बॉन्ड में अप्लाई होगा, ठीक है, एक्स क्या होगा यहाँ पे, हेलो सर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे, हेलोजन है, ओनली एच एक्स में ये वाला फॉर्मूला जो वो अप्लाई होगा, जो एच एक्स बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये था मेनली तीन टॉपिक जो कि मैंने आपको जो वो बता दिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम जो वो स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट एंड देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो क्या क्या चीज को अफेक्ट करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर से जो वो डाइपोल मोमेंट पर जो वो क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट कम होगा ज्यादा होगा, तो उसके बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगर यहाँ से जरा सा भी नॉलेज गेन किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।